मंच संचालन करता भाई को आभार धन्यवाद आप सबों के बीच दो बातें रखने के लिए मौका दिए। आज रेहड़ गांव में सरना प्रार्थना सभा कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे समय में हमारे बीच मेहमान के रूप में मुख्य मेहमान के रूप में और मंच में उपस्थित सभी समाज के अग्रगण और तमाम विभिन्न गांव से विभिन्न प्रखंड से आए हुए भक्तमंडल में साथ में इस तरह का कार्यक्रम का जो प्रोग्राम आयोजन किए हुए सुदीप मुन्ना जी और उनके सभी टीम को हम जय भेज करते हैं। जय भेज निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और महत्वपूर्ण बातें भी है। फिर भी सभी की आह्वान हमारे बीच बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातों को हमारे बीच में बनाने का प्रयास किए, जिसको पता नहीं है कितने समझ पाते हैं कितने कितने उसको हमारे मन में आ पाते हैं। वो हमारे आपकी बढ़तर होगी, वो हमारी कमजोरी होगी, हमारी मजबूती होगी। चार लाइन हम प्लान करेंगे, चार लाइन के ऊपर हम बात करेंगे, छोटा छोटा बात रखेंगे और उसमें से जो लाइन है उसमें जरूरी है थोड़ा सा हम समय देंगे। दूसरा, अभी का जो समय है हमारे समाज में भटकाव है। हम आदिवासी कहते हैं, शरणा का पुजारी कहते हैं, प्रकृति का पुजारी कहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, जिसको हमारे बीच पूर्व जिला परिषद बखूबी आप लोगों को समझाने के प्रयास किए हैं। हमारे बीच मुहूर्त से चल के आए हैं जिला कमेटी के अध्यक्ष दादा कुमार मान जी, बखूबी बताने का प्रयास किए हैं। हम उसमें दो लाइन बने हैं, जिस तरह हम अपनी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, अन्य चीजों को पकड़ते जा रहे हैं। हम उसमें थोड़ा सा प्रकार करना चाहेंगे, वो जो राजा दीदी लोग जो बताए उसी बात में हम थोड़ा सा और दो कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह अभी जो कल परसों जो हम लोग एक त्योहार मनाए जिसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, सोहराई कम दिवाली ज्यादा, इस तरह जितने भी हमारे दूसरी पर्व त्योहार आ रही है, उस पर्व त्योहार में जिस तरह अगर कहीं मशीन से बना खेत में पानी जा रहा है, जहां पे पानी की जाए वहां पे कोई रंग को डाल दीजिए, पूरा खेत जिस रंग को डालेंगे वो पूरा खेत उस रंग में रंग जाएगा, ये होता है। तो इन चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लंबा नहीं खींचते हुए इसको छोटा करना चाहते हैं। जिस तरह हम दीदी बताए सोहराई यानी कि बीमार का पूजा होता है, बल बदल का पूजा होता है, तीन बल बदल का पूजा इसलिए होता है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग आदिवासी ही नहीं है, यहाँ के सदान भाई भी जो हमारे साथ में गांव में रहते हैं, साथ में खेती करते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, पर्व त्योहार मनाते हैं, सभी जो हम एक साथ में बैठते हैं, इन सारे लोगों का एक ही पर्व था, वो था सोहराई। और आज धीरे धीरे वो परिवर्तन हो गया और वो दिवाली हो गया। तो सोहराई का जो माता है वो है गुलाब पूजा, और जिसको बोलते हैं लक्ष्मी पूजा, हम लोग लक्ष्मी मानते हैं। बल बदली कला को जिसे हम लोग खेती करके अपना जीवन यापन आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसका दूसरा रूप आज आ गया दीवाली। दीवाली को हम लोग कैसे मनाते हैं, दीवाली को कैसे मनाते, इसको प्रकाश का पर्व माना जाता है और इसको लक्ष्मी का भी पर्व माना जाता है, लेकिन लक्ष्मी हम लोग एक अलग चीज को माने, और यहाँ दीवाली क्या बोलता है, दीवाली में लक्ष्मी एक चित्र में बोला जाता है, चित्र में एक महिला का सुंदर महिला का फोटो रहता है, उसको लक्ष्मी बोला जाता है। आप लोग अनुभव कीजिए उस लक्ष्मी का सवारी क्या है, बताइए लक्ष्मी का सवारी क्या है, दुर्गा माँ का सवारी क्या है, शेर है। लक्ष्मी का सवारी कौन है, एक आदमी बच्चे सवाल दीजिए।
तो लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। तो बताइए हम लोग लक्ष्मी का पूजा करते हैं और उस रात हम लोग घर में दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं और लक्ष्मी आने का हम लोग इंतजार करते हैं। जब इस लक्ष्मी का सवारी उल्लू है, उल्लू लोग दिन में या रोशनी में दिखता ही नहीं, बताइए आपका घर में कैसे लक्ष्मी प्रवेश करेगा, आपका घर में लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा, ये सोचने की आवश्यकता। तो ये जो परम धर्म एक धर्म का पर्व है और उसको अगर देखेंगे एक बिजनेस का पर्व है। हम समझते नहीं है, जो हम कुछ लोग बिजनेस का पर्व करके हमसे पैसा लेते हैं, आदिवासी धर्म नहीं है, यहाँ से बाकी जो सलाम भाई लोग हैं उन लोग ऐसा करते हैं। आप लोग जानते हैं दिवाली में क्या बोलता, हम लोग को क्या बुलवाता है, बोलिए धन देना है, होता है कि नहीं होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, धन देना है, हम तेरस बोलते हैं ना, अरे धन मेरा देना चाहिए, धन मेरा से देना चाहिए, हम लोग वो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धन देना है ना, कुछ लोग जो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जो लोग पूजा पाठ के नाम से हम लोग देखते हैं, ऐसे लोग इसको बोला है, उन लोग के लिए धन तेरस नहीं होता है, उन लोग के लिए क्या होता है, धन मेरा होता है, धन मेरा होता है। और बाकी आदिवासी में यहाँ का साधन भाई लोगों का भी क्या होता है, धन तेरस होता है, इस चीजों को समझने की आवश्यकता है। चलिए इस बंद करते हैं, आगे हम कहना चाहेंगे वोट के संबंध में, जिस तरह अन्य लोग किसी को वोट दिलवाने के लिए कुछ भी वोट देता है, कुछ पैसा भी देता है, हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, हम लोग जब एक किसी का मजदूरी करते हैं तो हमको मजदूरी कैसा मिलता है, हम एक दिन मजदूरी करते हैं तो उसका मजदूरी हमको कैसा मिलता है, मजदूरी हमको एक बार मिलता है, और लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, जब वोट होता है अधिकार दिलाता है, आज का समय में दूसरे लोग वोट पैसा भी देता है और वोट भी देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, साड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, मुर्गा लेते हैं, हारी पीते हैं, पैसा लेते हैं और वोट दे देते हैं, मजदूरी वोट होने से पहले हम लोग मजदूरी लेते लेते हैं, उसके बाद में कोई भी नेता विधायक को क्या हमारे समाज का काम करेगा, नहीं करेगा, हमारा बेटी है, वोट हमारा बहन है, हम दारू से मांस मछली से अपना बेटी बांधकर सौदा नहीं कर सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा, तो हम लोग बेटी और बहन समझना पड़ेगा, हम पैसे के माध्यम से अपना बेटी बांध कर देंगे जो मेरा बेटी को अच्छा रखेगा, इसी तरह हमारा पैसा आदमी को भेज देंगे जिससे हमारा जमीन बचाएगा, जिससे हमारा कर्म कटेगा, जिससे हमारा सीमा कटेगा, वैसे लोगों को बिना पैसा का, बिना मुर्गा का, बिना मोबाइल का, बिना साड़ी का हमको भेज देना चाहिए, करार करके तब हमारे समाज का भला हो सकता है। हम उसी को और थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे आज समाज में धर्म को कितना जरूरी है, आज मोटा मोटी सभी लोग अनुभव कर रहे होंगे और धर्म वोट कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम लोग जब दादा लोग जो राजकरण करते हैं उसमें फैक्ट्री से पता चलता है कि धर्म वोट मिलना या मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी प्रयास किया गया और आज लगभग 5 मिलियन का कगार में है। तो जिस तरह हम लोग झारखंड या कुछ प्रदेशों में हम लोग शर्मा के नाम से गोल बंद हुए, इसी तरह अन्य प्रदेशों में लोग भूटानी के नाम से या पोलैंड के नाम से तमाम नामों से लोग गोलबंद हुए हैं और सारे लोग अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से मांग पत्र केंद्र सरकार को दे रहे हैं और सबों को केंद्र सरकार क्या जवाब दे रहा है कि हम जो भी धर्मपोर्ट मांगता है उसको जवाब देता है सरकार, इस तरह का धर्मपोर्ट मांगना संवैधानिक नहीं है, गैर मतलब इसको संवैधानिक नहीं मानता है, कारण दिखाता है 2001 का जनगणना में हम लोगों ने हमारे समाज पूरे देश में हम लोग जैसे झारखंड में हम लोग 32 जनजाति कहलाते हैं, पूरे भारत देश में लगभग 840-850 जातियां हम लोग हैं,
तो रामपुर का जातक लेता है, हम 32 जातियों का नहीं है, ये 840 जाति है, इन तमाम लोगों का ये धर्मकोड है, पूरे भारत देश के लिए ये धर्मकोड होना है। तो जब धर्मकोड मांगने की बारी आती है, जितने भी लोग सरकार को मांग पत्र देते हैं, सब लोगों को ये जवाब मिलता है, ये 102001 का जनगणना में समाज के द्वारा 123 का धर्म मेंशन किया गया था, 123 का। उसमें से जैसे कुरान अदान शर्मा लिखे, कोई कुरान लिखे, कोई आदिवासी लिखा, कोई इससे बात ज्यादा मात्रा में शर्मा से बहुत कम मात्रा में आर्थिक धर्म लिखे। इसी तरह मुंडा में बेटे में मुंडा मुंडा भाई में भी दिल साहब के भाई लोग लिख दिए और हम लोग ज्यादा मात्रा में शर्मा लिखे। इसी तरह जब आप देखेंगे 123 तरह का धर्म का मेंशन किया, तो सरकार बोलता है अगर हम शर्मा के धर्म के लिए देंगे तो बाकी और 122 तरह का जो मांगे हैं इसको हमें देना पड़ेगा, इसलिए देना या मांगना अंतिम नहीं है। इस तरह का सरकार हम लोगों को भी जवाब दिया, अन्य लोगों को भी जवाब देंगे, उसको जब तक हम लोग सहमति न बनाएंगे पूरा देश में तब तक शायद धर्मात्मा हम लोग का जो धर्म बोध है वो मिलने देखे। हम लोग शर्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसी तरह कोई गोली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मिलेगा नहीं है। हम लोग 17 तरह का धर्म कोलम मांगेंगे, पेट मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। दीदी बता रहे थे बहुत अच्छा चीज को, अंग्रेज जमाने से हमारा जनगणना हो जाएगा, सन 1871 में पहला जनगणना हुआ था और उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो जनगणना हुआ था उसमें हम सबों का आदिवासी धर्म कोड हुआ, आदिवासी धर्म कोड। दूसरी जनगणना जब हुई 1971 के बाद 1981 में जब जनगणना हुआ उस समय भी आदिवासी धर्म कोड में मेंशन हुआ था, उसके बाद हर 10 साल में चेंज करते करते कभी जनजाति लिखा कभी प्राकृतिक लिखा, उसके बाद में तीसरा में 2-3 जनगणना छोड़ के तीसरा में फिर से आदिवासी आया, उसके बाद में इधर 51 पर जनगणना हुआ और 1 साल के बाद में कोड हो गया, इस तरह का मामला है। तो 9 सितंबर को झारखंड प्रदेश से प्रतिनिधि नहीं जाने सका, चूंकि 9 सितंबर को राज्य में एक प्रार्थना सभा था और उसमें गुजरात में 6-7 राज्यों के लोग जुटे और उन लोग सारे मामला को समय चुके थे और उन लोग देखा जब पहला हमारा जनगणना आदिवासी के नाम से हुआ था। आज हम लोग शर्मा में गोरी में तमाम में लड़ रहे हैं, तो हमको नया धर्म कोड की आवश्यकता नहीं है। हमको अगर आवश्यकता है तो जो हमारा चीज को मिटाया गया है उस चीज को आज छात्र नहीं कर सकता है। आज हम नया मानते हैं, हम बात करने वाले जो हमारा पहले था उसी को लागू किया जाए। तो शर्मा हमारा आत्मा से जुड़ा है, दिल से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, सांस से जुड़ा है, लेकिन आदिवासी में एक संविधान अधिकार है, शर्मा हमारा लिख नहीं सकता है, इसमें तमाम क्षेत्र के अखबारों को क्षेत्र के हिसाब से हम शर्मा आदिवासी शर्मा हम लिखेंगे, गोरी लिखने वाले आदिवासी गोरी लिखेंगे, हिंद लिखने वाले आदिवासी हिंद लिखते रहेंगे। उस तरह का निर्णय हो चुका है, 9 सितंबर को निर्णय हो चुका है और इसको नेता ने भी 3 धर्म कोड में 3 नाम में अटकने जा रहा था, अंतिम मतलब रिजर्व तक जाने से पहले, एक प्राकृतिक धर्म, दूसरा आदि धर्म और तीसरा आदिवासी धर्म, अंततः पूरे देश के लोग भारत के लोग निर्णय लिए कि आदिवासी को ही माने रखना चाहिए, क्योंकि जयपुर की मुद्दा पे आदिवासी समुदाय लड़ते हैं, आदिवासी संविधान में दर्ज नहीं करा पाए जिसको हम लोग धर्म कोड के माध्यम से हम लोग संविधान में उसको अटैच करेंगे, आदिवासी हमारा चिन्हित रहेगा। हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म को आदिवासी कानून नहीं चाहते हैं, प्रमाण है हमको वनवासी कहते हैं, तमाम तरह का हमको उपनाम देते हैं, तो हमारा उस बहाने हमारा आदिवासी भी तब हो रहा है। तो चलिए इसके लिए इसका सफलता के लिए और तब हो जाने से होने वाला नहीं है, तब हो गया इसको अंतिम सफलता के लिए कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले
समाज को जानना होगा और चाहते सरकार को देश में जितनी सरकार है जितने भी पार्टियां हैं उनको बताना होगा हम सन्ना कोल का कितना भूखा है, हम सन्ना कोल के लिए कितना तड़प रहे हैं, इसको समाज को बताना होगा। हर हर विषय में हमको गांव स्तर से प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर राज्य स्तर से लेकर पीने तक प्रवास करने की आवश्यकता है। तब जाकर के राजनीतिक पार्टी को अपना अपना एजेंडा में शामिल करेगा, क्योंकि अगर सरकार को छुपाना है, अगर सरकार आपको आपके सामने रखती है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन हो जाने के बाद जनता में झुकना पड़ता है राजनेता के पास या कोई पार्टी के पास, इसको सुनना पड़ेगा। इसके लिए विगत पंद्रह सौ राष्ट्रीय बैठक के लिए हर समय तय किया गया, आज हम परमपुर के नाम से जीते हैं, सबको समझाए हमको धर्मपुर को लेना ही है, साथ में जनगणना भी किस ढंग से कराना है, इन चीजों में पद यात्रा के माध्यम से जाना है। तीन दिन चार दिन बैठे प्रखंड में पद यात्रा करेंगे और जिस दिन प्रखंड में जीतेंगे उस दिन वहाँ एक धरना देंगे वीडियो कैमरा और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग आचरण बंद करेंगे। इस तरह का हर प्रखंड हम लोग करेंगे। फिर हम लोग 20 जनवरी को राजमाता हारमी मैदान में ड्रोन को रेड करे धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है आप लोग इस तरह का कार्यक्रम में आप लोग भरपूर सहयोग देंगे, भरपूर आप लोग भागीदारी देंगे, ऐसा हम लोग करते हैं। दूसरा, हम लोग इतिहास को नहीं जानते हैं शायद ऐसा लगता है, और जिसका नतीजा हम लोग भटक रहे हैं, और 20 दिसंबर को एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था जिसको कहा जाता है कौन विद्रोह, और वो उसी देख लो हम लोग उस चीज को याद कराने के लिए इसका जो असलियत है इसका जो सच्चाई है इसको लोगों तक देने के लिए बताने के लिए 20 दिसंबर को रांची मोराबादी में एक आयोजन किया गया है। इसमें जो हम आग्रह करते हैं आप लोगों से आइए और सच्चाई को जानिए और जो सही है उसमें अमल करते हुए आगे बढ़िए। चलिए बातें बहुत है लेकिन समय कम है दोस्तों भाई बहनों, और हमारे बीच छोटे छोटे बच्चों को आपका बहुत सारा प्यार मिला, और हमारे घर में आपके बीच में अभी बहुत सारे धर्म के पत्र भी और समाज के पत्र बहुत सारे अभी सुंदर सुंदर बातें रखे। हमको इतना स्पीड में बोलना नहीं था, हम बहुत ही निडर समय में बातें रखते, लेकिन समय का अभाव है हमको फटाफट बोलना पड़ा, और उन्हीं सभी के साथ यहाँ पे जितने भी माता बहन अभ्यागर और जितने भी यहाँ उपस्थित सबको जय भीम।